हामिद जनाब, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाई? मतलब आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी। हु कुड हैव थॉट कि पाकिस्तान जो है लास्ट टू ओवर्स में गेम को जो है टर्न करते, लास्ट टू ओवर्स क्या, लास्ट ओवर में जो है गेम को जो है टर्न अराउंड कर देगा और दो छक्के मार के एक हारा हुआ मैच जीत जाएगा। पाकिस्तान के जो भाई बॉलर्स हैं उनके लिटरली जो है ना, मतलब चेंज हो गया सीन। मुझे लगता है कि दिलेर हो गए पाकिस्तानी बॉलर्स। और भाई एक छोटी सी टीम है 11-12 बंदों की, कितने सारे जो है इंडियन बॉलीवुड एक्ट्रेसेस को दे दे हैं, कितनी उर्वशी को देंगे ये अपना नसीम शाह और पार्टी। भाई बहुत ज़बरदस्त सीन है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन एक चीज़ जो मुझे एहसास हो रही है वो ये कि देखें, हम कहते हैं कि ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल, लेकिन असल में मुझे लगता है ऐसे नहीं है। देर आर सो मेनी थिंग्स टू लर्न। ऐसे लगता है ऐसे रिजवान एक ऐसी गाय है जिसको हमने जो है ना मिलकर करके उसको फारिग कर दिया बंदे को। मतलब ही कुड ओनली मेक 20 रन, विच इज आई थिंक मतलब इट्स फिनोमिनल। मगर एट द सेम टाइम भाई प्रेशर आ क्यों रहा है? प्रेशर इसलिए आ रहा है क्योंकि बाबर आजम साहब जो कुछ नहीं कर रहे, ठीक है। अब आई नो कि मेरी जो फ्रेंड लिस्ट है उसके अंदर बाबर आजम के जो है माशाल्लाह सारे चहीते जो है वो मौजूद है और उनको अच्छी नहीं लगेगी ये बात। मगर आई एम सो सॉरी, मैं ये बात करूंगा, मुझे नहीं लगता कि बाबर आजम जो है वो सही तरह परफॉर्म कर रहे हैं। भाई आपको पता चल रहा है एक प्रेशर मैचेस हो रहे हैं, पिछले 4 मैचेस के अंदर आपकी क्या परफॉर्मेंस है, स्पेशली इन दिस मैच जहां पे आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है, जो कि एक ईजी मैच है, जो कि अपेरेंटली एज कम्पेयर टू द मैच विद इंडिया इतना ज्यादा जो है प्रेशर और हाइप वाला मैच नहीं था। सेकेंडली फखर भाई, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही फखर किस टीम से खेल रहा है। फखर मुझे लगता है कि एक ही मेक्स इट अ पॉइंट कि मैंने उस टीम से मैच खेलना है, उस टीम की तरफ से मैच खेलना है जो कि पाकिस्तान के अगेंस्ट खेल रही है, ठीक है। सो बी इट हांगकांग, बी इट इंडिया अगेन, बी इट अफगानिस्तान टुडे, मुझे समझ नहीं आ रही भाई फखर को अगली टीम को दे दो यार, उनकी तरफ से ही खेल ले भाई, समझ तो आ नहीं रही। बल्कि मुझे इससे एक चीज का एहसास हो रहा है कि शाहिद अफरीदी जाकर भी आज तक टीम से जा नहीं सके, क्योंकि जब क्रूशल मोमेंट्स होते हैं तो कभी वो चलते थे और कभी वो नहीं चलते थे, और कई ऐसे मोमेंट्स आते जब वो बिल्कुल नहीं चल रहे होते थे, और फखर जो है आज उनकी याद दिला रहे हैं हमें। खैर बहरहाल अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान जो है फाइनली वे मेड इट टू द फाइनल ऑफ द एशिया कप 2022, एंड इंशाल्लाह ताला अब उम्मीद है कि पाकिस्तान जो है कुछ बेहतर करेगा।